हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ नमकीन दलिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने इसमें एक प्याज, आधी शिमला मिर्च, एक टमाटर, मूंगफली, दलिया और एक हरी मिर्च ले रखा है। अगर आपके पास गाजर, मटर या और कोई सब्ज़ी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। अब हम गैस पर कुकर चढ़ाएँगे और इसमें ये मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें तेल डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हरी प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और इसमें मूंगफली भी सब साथ में ही डाल देंगे, जिससे ये सब अच्छे से फ्राई हो जाए। मूंगफली भी इसके साथ अच्छे से प्याज के साथ पक जाए। अब हम इसमें और इसे चला अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें ये दलिया भी डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और बीच बीच में इसे आप चलाते जाइएगा, ये इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। ये देखिए, ऐसे गोल्डन ब्राउन करना है इसको। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मैंने नमक डाला इसमें, नमक आप स्वाद के अनुसार से लीजिएगा। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी मैंने आधा चम्मच डाला है। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें मैंने, और इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगी। ये मैंने इसमें पानी डाला और इसे चलाएंगे। अब इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे हुए थे वो भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर डाल दिए मैंने इसमें। ये अब इसे चलाएंगे एक बार और इस पर हम, ये देखिए, अब हम इसमें इसका कुकर बंद कर देंगे और इसमें 3 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसमें 3 सीटी लगाना है। ये देखिए, ये दलिया बनके हमारी तैयार हो गई है। आप इसे दही रायता के साथ खाइएगा, ये आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।